थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं यहां से। और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बातें हमने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला सिमिलर रहता है, उसके सेक्शन फॉर्मूला उसके सिमिलर रहता है, और लाइन का कंसेप्ट, सर्कल का कंसेप्ट, इक्वेशंस का कंसेप्ट, लोकस, ओरिजिन, यह सब यूज होते हैं। इसके अलावा और कुछ बातें भी होती है जो हमें 3D में सीखना होता है। यहां लाइन की इक्वेशन कुछ अलग फॉर्म में होती है और प्लेन की इक्वेशंस भी होती हैं, क्योंकि 3D में प्लेन इमेजिन किया जा सकता है, 2D में तो केवल 2D प्लेन ही अपना एकमात्र प्लेन होता है, जबकि 3D में बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। तो थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी स्पेस में किसी बात को हमें समझने की कोशिश करना है। थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई, जेड होंगे। और मैं यहां आपको बता दूं, तीनों एक्सिस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री। और सबसे बड़ी बात, एक्स, वाई, जेड हमेशा आप यहां देखेंगे, जब भी देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगे आपको, एक्स, वाई और जेड। क्लॉकवाइज कभी ना बनाए, नहीं तो क्लॉकवाइज बनाएंगे तो वो सिस्टम अलग होगा। यह सिस्टम जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D में, इसमें एक्स, वाई, जेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, लेफ्ट हैंडेड हो जाएंगे, ये लेफ्ट हैंडेड ट्रिक कहलाते हैं एक्सिस। और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन का कंसेप्ट वही है जो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। ओरिजिन यानी 0, 0, 0, जहां एक्स, वाई, जेड तीनों के कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। एक्स डायरेक्शन में यदि हम किसी पॉइंट तक पहुंचते हैं तो यह जो डिस्टेंस है यह एक्स कहलाती है। एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन। देखिए एक्स वाई प्लेन होता है, यहां पर एक वाई जेड प्लेन होता है। तो मैं तीनों प्लेन्स की बात करता हूं, या तीन जो हमारे मेजर प्लेन्स होते हैं, एक तो एक्स वाई प्लेन होता है। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा है एक्स वाई प्लेन होता है, यानी प्लेन एक्स वाई, क्यों, कोई भी पॉइंट जो होगा एक्स वाई प्लेन में होगा। एक्स और वाई दो एक्सिस का जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये दोनों एक्सिस है उसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं। अ प्लेन कंटेनिंग बोथ एक्सिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। लेकिन 3D में हमारे पास तीन प्लेन होंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन इज द प्लेन कंटेनिंग वाई एंड जेड एक्सिस, एंड जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन वो प्लेन होगा जिसमें जेड और एक्स एक्सिस कंटेन होते हैं। तो उसी तरह से हम किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऑब्वियसली ना, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का जो होता है वह कोऑर्डिनेट की वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन। तो प्लेन का कंसेप्ट हमें समझने की कोशिश करना चाहिए अच्छे से। जैसे कि एक कमरे में एक कॉर्नर पर हम देखते हैं तीन साइड्स होती हैं, फ्लोर होती है हमारी, तो फ्लोर हमारा एक प्लेन हो गई, एक वॉल एक प्लेन हो गई, दूसरी वॉल एक प्लेन हो गई, तो तीन प्लेन हो जाते हैं। उसी तरह से फ्लोर को मैं एक्स जेड प्लेन कह सकता हूं, एक सामने वाली वॉल को वाई एक्स वाई प्लेन कहूंगा, और इसी तरह से वाई जेड प्लेन होगा। तो यहां पर हम सभी पॉइंट एक्स वाई जेड को डिनोट कर सकते हैं। किसी पॉइंट के लिए ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं ओ से, ओ इज 0, 0, 0। और अब हम देखते हैं वाई क्या होता है और जेड क्या होता है। वाई के लिए बात करें तो वाई जो होगा पॉइंट की एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस,
एक्स जेड प्लेन, और जेड जो होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। यहां जैसे कि हम देखते हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है x एक्सिस से डिस्टेंस। यह y होता है यह x होता है, यह डिस्टेंस x होती है यह डिस्टेंस y होती है। यहां पर एक पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से ली जाती है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट आगे, पोजिशन वैक्टर क्या होता है। थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमें, जैसे कि मास्टर जी डंडे से किसी चीज को बोर्ड पर बताते हैं कि यह रहा ए, यह रहा बी, यह रहा सी, तो उसी तरह थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट पी को डिनोट करने के लिए हमें पोजिशन वेक्टर की जरूरत होती है। जो पोजिशन वेक्टर जो होता है डंडे की तरह होता है, जो ओरिजिन से पॉइंट पी को डिनोट करता है, उसकी पोजिशन डिनोट करता है। तो ओपी जो हो गया हमारा पोजिशन वेक्टर हो जाएगा, और ओपी की वैल्यू क्या होगी हम देखते हैं। तो यह पी जो पोजिशन वेक्टर है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हम वेक्टर की बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई लिया जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे लिया जाता है, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के लिया जाता है। तो ओपी जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहां आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स का कंसेप्ट हम और डिटेल में वेक्टर में समझेंगे। तो आई जे और के यूनिट वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शंस हैं। तो हम किसी भी वेक्टर को सम ऑफ द अदर वेक्टर्स डिनोट कर सकते हैं। तो ओपी वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर्स का सम हो गया, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर्स का सम हो गया, और एक्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस कितने यूनिट होगी, वाई यह बताता था कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितने यूनिट होगी इस के कंपोनेंट्स की। इसी तरह से ओपी हमारा पोजिशन वेक्टर डिसाइड होता है। तो आगे देखते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि दो पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू और जेड टू, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कहें या दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यदि हम चाहते हैं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सपोज दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज आर, आर पॉइंट पी क्यू लेंथ को लैम्बडा रिस टू वन रेशो में डिवाइड करता है। लैम्बडा रिस टू वन कहें या एम रिस टू एन कहें एक ही बात होती है, क्योंकि लैम्बडा रिस टू वन को एम रिस टू एन भी लिखा जा सकता है। तो यह पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यह सेक्शन फॉर्मूला बताता है। जैसा कि 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, उसी तरह से हम यहां पर आर की वैल्यू लिख सकते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्बडा एक्स टू डिवाइडेड बाय लैम्बडा प्लस वन। हम जैसे कि 2D में पढ़ते हैं एम वन एक्स टू प्लस एक्स टू एम वन, यानी लैम्बडा एक्स टू प्लस वन एक्स वन, यानी एक्स वन प्लस लैम्बडा एक्स टू डिवाइड बाय लैम्बडा प्लस वन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर वेयर पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा एस टू वन। पी आर और आर क्यू का जो रेशियो है लैम्बडा एस टू वन है। तो वाई एक्स
कोऑर्डिनेट होंगे लैम्डा बाय टू अपॉन लैम्डा प्लस वन, जेड कोऑर्डिनेट होंगे जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू, जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू अपॉन लैम्डा प्लस वन। यहां पर हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट अगर हम बात करें, मिड पॉइंट जो होगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, जेड वन प्लस जेड टू बाय टू। और सेक्शन फॉर्मूला दो तरह के होते हैं, एक होता है जो पॉइंट यदि लाइन दोनों पॉइंट पी और क्यू के इंटरमीडिएट हो, और एक होता है जो दोनों पॉइंट में से किसी लाइन पॉइंट के दूसरी साइड हो। तो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि दो पॉइंट के बीच में हमारा पॉइंट आर है। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला देखते हैं हम और उसका मतलब समझते हैं। पी क्यू और आर, आर जो आउटसाइड है, पी के कोऑर्डिनेट्स वही लेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन, क्यू के कोऑर्डिनेट वही एक्स टू वाई टू जेड टू लेंगे, और आर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लेते हैं यदि हम। तो यहां रेशियो समझने की कोशिश कीजिए, यहां रेशियो पी आर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्यू आर डिस्टेंस, यह होगा एम रिस टू एन या लैम्डा रिस टू वन। तो फॉर्मूला है ये, तो अब एम रिस टू एन का है या लैम्डा रिस टू वन का है, एक ही बात है। यहां लैम्डा की वैल्यू अगर देखें तो एम बाय एन हो गई। तो यहां पी आर यह डिस्टेंस है और क्यू आर यह डिस्टेंस है, क्यू आर पी आर डिवाइड बाय क्यू आर एम बाय एन होगा। और यहां यदि आप फॉर्मूला निकालें एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखें, तो पी के लिए एक्स वन वाई वन जेड वन, क्यू के लिए एक्स टू वाई टू जेड टू लेते हैं, और रेशियो लैम्बडा रेस टू वन है, तो लैम्बडा का मल्टीप्लीकेशन हो, लैम्बडा का मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स टू से माइनस, यानी यहां एम एक्स टू एन एक्स वन भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहां एक्स वन एक्स टू को टर्म से की बजाय लैम्बडा और वन के टर्म में लिख रहा हूं। आप यदि आप इसे चाहें तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एन एम माइनस एन भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख सकते हैं लैम्बडा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन लैम्बडा माइनस वन, जेड के लिए लिखेंगे लैम्बडा जेड टू माइनस जेड वन अपॉन लैम्बडा माइनस वन। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला हो गया ये, और ये इंटरनल डिवीजन हो गया। यहां लिख देता हूं मैं इंटरनल डिवीजन, क्योंकि यहां पी क्यू पॉइंट के बीच में है आर पॉइंट, यहां पी क्यू के बाहर है आर पॉइंट, तो पी आर अपॉन क्यू आर इज एम बाय एन। टू डी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये फॉर्मूला लिखा है, और वहां भी इसे आप इस तरह से लें, यह डिस्टेंस एम हो गई और यह डिस्टेंस एन हो गई। तो करेक्शन थोड़ा करना है आपको, वहां पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो मेरे ख्याल से हम करने जाते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि हम m रिस टू n की कोई वैल्यू तो डिसाइड करते नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं।